जी आप लोगों को याद है पिछली बार मैं मिस्टर इंडिया का मिला था तो ये चमन आदमी मेरे साथ गया था और दोबारा हम वापस आ रहे हैं दोबारा ये मेरे। हाँ जी गाइस क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग हमारे नए ब्लॉग में। भाई ये वाला ब्लॉग काफ़ी गजब होने वाला है। देखो अभी मैं हूँ जयपुर के अंदर और जयपुर से मैं आज जा रहा हूँ भाई अजमेर, और अजमेर जा रहा हूँ तो भाई आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। आप लोगों को आपके ही सबसे बड़े स्पेशल पर्सन से मैं आपको अजमेर में मिलाने वाला हूँ। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे एक दोस्त है डीजे करण बदलिया हॉन्टेड गुरु जी, उनकी भाई शादी है आज। डीजे करण बदलिया मतलब करण भाई की शादी है आज, तो मैं उसके लिए जा रहा हूँ अजमेर। और वहाँ पर जो हमारे स्पेशल गेस्ट आएंगे उनसे मैं आप लोगों को जरूर मिलूँगा आज वाली वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखना एंड पूरी वॉच करना और लाइक भी कर देना, और भाई चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल तो मैं जयपुर से निकल रहा हूँ यहाँ से, एंड अजमेर पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे, 2.5 घंटे लग जाएंगे, तो अजमेर चल के मिलता हूँ आप लोगों से मैं। भाई जयपुर का जो बस स्टैंड है ना सुन्नी कैंप ये है, तो फिलहाल सुन्नी कैंप आ गया मैं और यहाँ से बस लेके जाऊँगा, क्योंकि यार नितिन है ना उस रात को चला गया था तो मैं बस से जाना पड़ेगा। कार तो अभी चली गई पर आधा टाइम कार मिल जाएगी मेरे को वहाँ पर और नीचे नहीं मिल जाएगा, तो फिलहाल मैं अजमेर की बस देखता हूँ। गाइस फाइनली गरीब आदमी आ चुके हैं, हद है यार इतनी देर भाई इसका वेट कर रहा था मैं, और शाम को मैं यही रीज़न था मैं नीचे के साथ नहीं गया उसको ले जाने के लिए, और इसका कॉल मिल नहीं रहा था शाम को। चले फिर बस खड़ी है, तो भाई फिलहाल निकलते हैं अजमेर के लिए और अजमेर। और पता है गाइस आप लोगों को याद है पिछली बार मैं मिस्टर इंडिया का मिला था तो ये चमन आदमी मेरे साथ गया था और दोबारा हम वापस आ रहे हैं, दोबारा ये मेरे साथ जा रहा है, बट फाइनल है नहीं कि मिस्टर इंडिया का मिलेंगे, बट मेरे को लगता है मिलेंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल बस पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी पता है क्या हुआ, हमारे पास कैश खत्म हो गया और अंकल ने ना टिकट दी जाने के लिए ये 290 रुपये की, और फ़ोन पे करवा लिया। मतलब ये अच्छा लगा मेरे को कि अंकल ने मतलब हेल्प कर दी और फ़ोन पे करवा लिया। मतलब बेसिकली बस वाले कम कॉस्ट कम करवाते हैं, बट यहाँ पर मेरे को अच्छा लगा। अजमेर पूछ चुके हैं, अभी मेरा बैग उतार लेने आ रही है, चलो चलते हैं नीचे। सो गाइस लगभग 2 घंटे का आसान सा सफर करके हम लोग फाइनली अजमेर पूछ चुके हैं, और अभी यहाँ पर नितिन कार लेके आ रहा है एंड उसके बाद वहाँ से हम चलता लेंगे भाई सीधा करण के घर पे। तो अभी है तो मतलब सचिन भाई के दोस्त वगैरह ना वो आ चुके हैं, तो सामने भाई मतलब उनकी जो लाइफ स्टाइल ही बहुत अलग ज़्यादा है। ये एंट्री आ रही है जी, एंट्री आ रही है, बाकी 2-3 तो वैसे उधर ही है। अरे वही पे, अरे दुकान पे मस्त लगेगा, दुकान पे मस्त रहेगा वो भाई साहब। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो सब्सक्राइब करो। नितिन आ चुका है यहाँ पर बस स्टॉप पे, देख लो बस स्टॉप ही है और यहाँ पर हाथ चल गया। ओ भाई सर्दी सर्दी नहीं, गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ पर, इतनी ज़्यादा गर्मी है अभी फिलहाल है ना, ये कार इतनी ज़्यादा जल रही है बहुत ज़्यादा। हाँ यार बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर आने के बाद, तो चलो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। चलो भैया चलो। ओके, और ये हमारे भैया बैठे हैं अंदर ही भाई, एक गाड़ी में फिलहाल कहाँ जा रहे हैं अपन, करण भैया के पास, करण भैया के पास जा रहे हैं एंड वहाँ से थोड़ा मुलाकात करते हैं, उसके बाद आराम करता हूँ मैं तो, क्योंकि काफ़ी मैं अनहेल्दी फील कर रहा हूँ फिर आज। चलो चलते हैं, मेरे कोऑपरेट लग जाओ, शादी मुबारक भाई बहुत ज़्यादा जाने ना आप देख लो। सो गाइस अभी का क्या सीन है, हम लोग आ चुके थे करण भाई के होटल में, और भाई जिस होटल में रुके हैं ना वो करण भाई की होटल है, और करण भाई की शादी आज ही है और अभी 8:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पर अजमेर में देखो अलग सिस्टम होता है, यहाँ पर शादी लेट होती है, तो फिलहाल तो मैं अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाऊँगा, क्योंकि तब से मैं ये भी सो रहा था तब से, और भाई मैं भी सो रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को पता ही होगा मैं लाइव भी आया था, तो तबीयत ख़राब है तब भी मैं मैनेज करके शादी में आ रखा हूँ। बट अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर में तैयार होकर शादी जहाँ पर है वहाँ पर, भाई हमारे विजेंद्र भाई भी आएंगे, मिस्टर इंडियन हैकर भी आएंगे, हॉन्टेड गुरु जी, एडवेंचर, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर आएंगे, बहुत सारे, ठीक है। बट मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो रखी है अभी भी, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं, बट हाँ मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाऊंगा। यार देखो शादी के ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ मैं, क्योंकि यार यहाँ पर हमारे स्पेशल गेस्ट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो फिलहाल अभी मैं तैयार हो जाता हूँ और फिर निकलते हैं यहाँ से। फिलहाल गाइस आप लोग एक चीज़ दिखाऊँ अभी, देखो फिलहाल शादी वहाँ पर हो रही है और करण भाई घोड़ी चढ़ चुका है फिलहाल, ठीक है, और मैं इधर ही बैठा हूँ, अब थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से, लगभग थोड़ी देर में निकल जाएंगे, नितिन वगैरह तैयार हो रहे हैं, सब लोग तैयार हो गए और फिर वहाँ से सीधा हम लोग चलते हैं। भाई फिलहाल तो ना सब लोग तैयार हो चुके हैं, पैक हो रहा है, देखो भाई रूम का तो यही हाल रहेगा, और फिलहाल देखो
अभी नितिन भैया लेके आए हैं गिफ्ट, गिफ्ट दिखाना नहीं चाहिए वैसे। तो भाई पहले रख लेते हैं भाई, फिलहाल अभी टाइम हो चुका है बाहर जाने का, मतलब निकलने का, ऐसे 2:30 बज चुके हैं और अब जा रहे भाई शादी के अंदर, ठीक है। तो फाइनल है, अब जो भी मिलेगा ना वो मैं आप लोगों को मिलवा दूंगा, बाकी चलते हैं फिलहाल, चले फिलहाल। गाइस अभी घोड़ी जा रही है भाई, लड़की मतलब दुल्हन वालों के घर पे जा रही है, तो यहाँ पर सैन भैया गाड़ी बैठ चुके हैं फिलहाल, और घोड़ी भी अपने जाते मतलब वहाँ पर जाने के लिए रेडी है अभी। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग भी बारात, मतलब बारात जा रहे हैं, अब 10:30 बज चुके हैं, फिलहाल बारात जा रहे हैं, बात गई ना वहाँ पर, और हम सब लोग रुके हैं फिलहाल और गाड़ी आ रही लेने के लिए। और रियली बताऊँ गाइस, यहाँ पर मैं पहली बार जिंदगी पहली बार राजस्थान में शादी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वो राजस्थान है ही नहीं, लगभग राजस्थान है बॉर्डर पर है, वहाँ पर अलग तरीके से शादी होती है, यहाँ पर अलग तरीके से शादी होती है। फिलहाल चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं कैसा क्या सीन रहे, चले। अरे ये भाई मेरे लिए विक्स की गोली लेके आ रहा है, क्या है विक्स की गोली यार? देखो मेरी तबीयत खराब है तो विक्स की गोली अल्लाह के बार बार में, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो समझ सकते हो कितनी ज़्यादा फिक्र है इसको मेरी। गुड्डा गुड्डी आ गई, गुड्डा गुड्डी नहीं, दादा दादी बाबा बाबा चला दादी। चलो मिलना मिलवाना तो चलता ही रहता है। और भाई सारे आ रहे हैं, चल भाई इधर देख ले तो, क्या हूँ ये हूँ, पकड़ 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 पकड़, अरे तू पकड़ दे मुंह में, ये तो खुद ही ले लिया, एक और एक और एक और, क्या कर रहे हो ये, क्या कर रहे हो, बस अब आ रहा ना सही, अब आ रहा है सारे भाई लोग भाई मिल करके ना, रसगुल्ले पे टूट गुलाब जामुन लोग रसगुल्ले पे टूट पड़े, टूट पड़े बस, टूट गए वो भी। और भाई उधर पता कौन है, दिख गया इधर हमारी टीम उधर उसकी टीम, रसगुल्ले का चैलेंज ले रहे हैं। हेलो गाइस, तो फाइनली करण भाई की शादी हो चुकी है और मैं भी अपने घर घर अलवर में वापस आ चुका हूँ। देखो यार रात को मैं ट्रेन पकड़ के वापस आ गया था क्योंकि मेरे को जाना है आज केदारनाथ, ठीक है भाई। केदारनाथ का सफ़र काफ़ी ज़्यादा सुहाना होता है, काफ़ी मस्त होता है, काफ़ी इंजॉयफुल और काफ़ी ज़्यादा कठिन भी होता है, बट आज हमको जाना ही पड़ेगा भाई केदारनाथ, क्योंकि बुलावा आ चुका बाबा का, और पिछले साल भी गए थे बट इस साल भी जा रहे हैं, इस साल कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है और इस बार हम लोग 2-3 जने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाले व्लॉग जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड यार आप लोगों को बता दूं, करण भाई की शादी में ना मिस्टर इंडियन हैकर के सारे टीममेट आए थे, वीरेंद्र भी आया था, सब लोग आए थे लगभग वहाँ पर, और शायद मे भी शायद वो दिलराज भाई भी आए होंगे, बट मैं जब मैं गया था वहाँ पर तो दिलराज भाई शायद जा चुके होंगे, क्योंकि टीममेट मेरे को सारे मिले थे वहाँ पर और सब लोगों ने बात भी की थी, आप लोगों ने देख लिया वो वीडियो में। तो भाई इस व्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। एंड यार आप लोग है ना हमारी केदारनाथ की जो भी जितने भी सीरीज आएंगे ना वो आप लोग जरूर वॉच करना, काफ़ी ज़्यादा मस्त या अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा, एंड आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा केदारनाथ बाबा के। तो फिलहाल मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।